DH डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन जो कि आपका लेड फ्री रहेगा और ईएलटी सेफ रहेगा, और ये आपका 80 वोट का रहेगा, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज रहेगी वो रहेगी दोस्तों इसकी 200 से 480 सेल्सियस। दोस्तों इसका आयरन का सॉकेट है और यहाँ से आप टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकते हो, और ये आपका टेम्परेचर को कम और ज्यादा करने के लिए कंट्रोलर है। ये आपका दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सिलेक्ट करने के लिए इसका ये स्विच है। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों इसका एसी मेन वायर सॉकेट है जो कि आपका इनपुट एसी 220 वोल्ट का है। दोस्तों इसका आयरन है जो है आपका केपीएच लेड फ्री और ईएलटी सेफ, और ये दोस्तों इसमें आपका हीटर मैक्सिमम 24 वोल्ट एसी का है। दोस्तों ये इसका स्टैंड है और ये इसका स्पंज फॉर्म है, इससे आप टिप क्लीन कर सकते हो। दोस्तों ये इसकी एसी मेन वायर है ये। चलिए दोस्तों इसके एसी सॉकेट में हम इसकी वायर लगाते हैं। मैंने इसकी वायर लगा दी है, चलिए अब इसको ऑन करते हैं। इसके पावर ऑन बटन से इसको ऑन करते हैं। दोस्तों ये आपका यहां पे डिस्प्ले पैनल शो हो गया। दोस्तों जैसे ही मैंने इसको ऑन किया यहां पे आपके डिस्प्ले पे SE शो हो गया, मतलब सोल्डरिंग एरर। जैसे ही आप इसमें आयरन लगाओगे तो ये सोल्डरिंग एरर हट जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसका इसमें आयरन लगाते हैं। मैंने इसका आयरन लगा दिया। दोस्तों यहां पे इसका टेम्परेचर शो हो गया है और आपके एलईडी ब्लिंकिंग करना शो हो गई है। दोस्तों इसका आयरन गर्म होना चालू हो गया है। दोस्तों हम इसको 250 पे टेम्परेचर इसका सेट करते हैं। चलिए दोस्तों हमने इसका टेम्परेचर 250 पे सेट कर दिया है और यहाँ पे आपका एलईडी ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों जैसे इसका आयरन टेम्परेचर लेता है तो इसमें से एक बीप साउंड की आवाज आती है और यहाँ पे एलईडी ब्लिंक करती है। दोस्तों ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट शो हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट है और ये आपका सेल्सियस है। चलिए दोस्तों हम इसको पावर ऑफ करते हैं।